हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी इंजीनियरिंग क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे IEEE 802.11 का बेसिक इंट्रोडक्शन। सो IEEE 802.11 क्या है? इट इज़ अ फैमिली ऑफ WLAN स्टैंडर्ड्स, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क का स्टैंडर्ड है। सो इट इज़ अ स्टैंडर्ड दैट स्पेसिफाइज द फिजिकल और मैक लेयर अडेप्टेड। ठीक है, जितनी भी आपकी फिजिकल या फिर मैक लेयर अडेप्टेड हुई है फॉर वायरलेस लैन आर्किटेक्चर, उनके स्टैंडर्ड को स्पेसिफाई करने का काम करता है IEEE 802.11। सो करता है क्या? बेसिकली इट डिफाइंस अ सेपरेट स्टैंडर्ड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर बेस एंड एडॉक नेटवर्क। अगर अब आपका देखो जो वायरलेस नेटवर्क है वो दो तरीके से हो सकता है, या तो इंफ्रास्ट्रक्चर बेस होगा या फिर आपका एडॉक नेटवर्क होगा जिसको हम बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर लेस। उन दोनों के लिए एक सेपरेट स्टैंडर्ड को ये डिफाइन करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड। सो इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग द वाईफाई हॉटस्पॉट्स फॉर इंटरनेट एक्सेस। सो बेसिकली क्या करेगा, वाईफाई के हॉटस्पॉट्स बनाएगा। मतलब कि आपके पास एक इंटरनेट का बैकबोन पीछे से है जो कि एक फिक्स आर्किटेक्चर के ऊपर है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेस आर्किटेक्चर के ऊपर है, बट अब आपको अपने कैंपस के अंदर सपोजिटली वाईफाई के हॉटस्पॉट्स चाहिए तो उसको प्रोवाइड करने का काम करता है इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड IEEE 802.11 स्टैंडर्ड। इट इज बेस्ड ऑन CSMACA, दैट मीन्स कि कोलिजन अवॉइडेंस के ऊपर काम करता है। और हम पहले देख चुके हैं कि वायरलेस आर्किटेक्चर के अंदर कोलिजन डिटेक्शन से बढ़िया कोलिजन अवॉइडेंस काम करता है। नाउ मल्टीपल एक्सेस पॉइंट आर कनेक्टेड टू फॉर्म अ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। जितना भी आपके कम्युनिकेशन होना है, जितना भी आपके इंफॉर्मेशन का डिस्ट्रीब्यूशन होना है, उसके लिए मल्टीपल एक्सेस पॉइंट एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। अब यहाँ पर हम इसका एक सिंपल सा आर्किटेक्चर देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड मोड का। सो बेसिकली सपोज हमारे पास यहाँ पे एक्सेस पॉइंट होते हैं। एक एक्सेस पॉइंट मेरे पास ये है, एक और एक्सेस पॉइंट मेरे पास हो सकता है, और ये एक्सेस पॉइंट मिलके क्या बनाते हैं, ये एक्सेस पॉइंट मिलके पूरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्रिएट करते हैं। सो ये एक्सेस पॉइंट हो गया, ये एक्सेस पॉइंट हो गया। अब यहां पे मेरे पास कोई एक डिफरेंट पोर्टल हो सकता है, ठीक है। तो ये सब मिलके क्या क्रिएट कर रहे हैं, ये सब मिलके बना रहे हैं पूरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ओके, नाउ दिस एक्सेस पॉइंट, इस एक्सेस पॉइंट से कनेक्ट हो सकता है आपका कोई भी स्टेशन या कोई भी डिवाइस आप कह सकते हो। फॉर एग्जांपल लेट अस से ये हमारे पास एक स्टेशन है STA1, ठीक है, और ये स्टेशन आपका इस एक्सेस पॉइंट से कनेक्टेड है, मतलब इस एक्सेस पॉइंट से ये कम्युनिकेशन कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही आपके पास हो सकता है, यहाँ पे स्टेशन हो सकते हैं, डिफरेंट स्टेशन हो सकते हैं। लेट अस से मेरे पास यहाँ पे दो स्टेशन है, स्टेशन 2 एंड स्टेशन 3। ये स्टेशन बेसिकली क्या है, आपके कुछ भी मोबाइल डिवाइसेस हो सकती हैं या फिर आपके लैपटॉप्स हो सकते हैं, कोई भी ऐसी डिवाइस जो कि नेटवर्क से कम्युनिकेट कर रही है। तो ये भी आपके इस एक्सेस पॉइंट से कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। अब हर एक जितना भी आपके पास यहाँ पे आर्किटेक्चर है, जितने भी एक्सेस पॉइंट से आपके यहाँ पे कनेक्शन हो रहे हैं या यहाँ पे हो रहा है, हर एक के अंदर एक आपका बेसिक सर्विस सेट रहेगा जिसको हम बोलते हैं BSS। तो इसका भी अपना एक BSS होगा, इसका भी अपना एक BSS होगा। दिस इज बेसिक सर्विस सेट। ओके, देन वी हैव अ पोर्टल। पोर्टल किस लिए है? जब आपका इंटरनेट है, सपोज आपको इस स्टेशन को, इस डिवाइस को इंटरनेट एक्सेस करना है, तो वो क्या करेगा, इस एक्सेस पॉइंट से कम्युनिकेट करेगा। अब ये एक्सेस पॉइंट आपका एक पोर्टल से कनेक्टेड है जो फर्दर आपका लैन आर्किटेक्चर से कनेक्टेड है। ये आपका फिक्स्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, लैन आर्किटेक्चर है, तो जब भी कम्युनिकेशन करना है तो किसके थ्रू करेगा, इस वे में करेगा, एक्सेस पॉइंट से कम्युनिकेशन करेगा, एक्सेस पॉइंट इस पोर्टल से करेगा, देन आपका जो भी फिक्स आर्किटेक्चर से आपका लैन कनेक्टेड है वहां से कम्युनिकेशन हो जाएगा। तो ये जो पोर्टल है बेसिकली ये किस लिए यूज हो रहा है, इट इज यूज्ड व्हेन अदर फैमिली ऑफ 802 इज टू बी कनेक्टेड। क्योंकि जो वायरलेस लैन आर्किटेक्चर की 802 फैमिली होती है और वायर्ड की होती है वो डिफरेंट होती है। अब आप एक वायरलेस वाले को और वायर्ड वाले को कम्युनिकेट कर रहे हो, आपस में उन दोनों को कनेक्ट कर रहे हो, तो उसके लिए हमें एक पोर्टल की
जरूरत होती है यहाँ पे। सो इस तरीके से आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर बेस 802.11 है वो काम करता है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर लेस, इंफ्रास्ट्रक्चर लेस का मतलब क्या है, आपका एडॉक नेटवर्क, जिसमें कि डिफरेंट मोबाइल डिवाइसेस हो गई या फिर डिफरेंट नोड्स हैं, डिफरेंट स्टेशन हैं, वो एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्टेशन हैं, लेट अस से दिस इज स्टेशन नंबर वन, दिस इज स्टेशन नंबर टू, दिस इज स्टेशन नंबर थ्री। अब ये सब आपस में एक क्या क्रिएट करेंगे, ये सब आपस में एक अपना नेटवर्क क्रिएट कर लेंगे, एक एडॉक नेटवर्क क्रिएट कर लेंगे और आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये एक इन्होंने अपना नेटवर्क क्रिएट कर लिया आपस में। यहाँ पे कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इट इज कम्प्लीटली इंफ्रास्ट्रक्चर लेस मोड। अब इसमें जो BSS यूज होता है, डेट इज बेसिक सर्विस सेट, जो यहाँ पे यूज होता है उसको हम बोलते हैं IBSS, डेट इज इंडिपेंडेंट बेसिक सर्विस सेट। IBSS का यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट बेसिक सर्विस सेट। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, जिसमें हमने देखा 802.11 का बेसिक आइडिया कि क्या होता है, देन इंफ्रास्ट्रक्चर मोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर और एडॉक नेटवर्क मोड। सो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू रिसीव मोर सच वीडियोज नोटिफिकेशन। थैंक यू।